नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। तहसील बार एसोसिएशन राजतालाब का छठा वार्षिक चुनाव शुक्रवार को भारी गहमागहमी के बीच प्रारंभ हुआ। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से अध्यक्ष पद सहित कुल 6 पदों पर 14 प्रत्याशी अपने अपने दमखम की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। मतदान स्थल के बाहर लगी प्रत्याशियों की भारी कतार मतदाताओं से अपने अपने पक्ष में मतदान करते दिखे हाथ जोड़कर प्रत्याशी। कुल 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1843 मतदाताओं के हाथ में है। दी तहसील बार एसोसिएशन राजतालाब के छठा वार्षिक चुनाव में कुल 50% मतदान की संभावना है। चुनाव संपन्न होने तक 1843 मतदाताओं में से 1054 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद कर दिए हैं। चुनाव समिति के 5 चुनाव अधिकारी क्रमशः छेदी लाल यादव, सतीश कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश, विजय पांडेय, रामजतन का कहना रहा कि मतदाता अपने अपने मतदान का प्रयोग केवल COPI कार्ड से करेंगे, बाकी फोटो स्टेट की कोई मान्यता नहीं है। मतदान स्थल पर कुल 10 टेबल लगा हुआ है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मतदाता टेबल के पास बैठकर अपने मत का प्रयोग कर बैलेट पेपर को बॉक्स में गिरा दे रहे हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रभारी निरीक्षक राजतालाब राम आशीषमय फोर्स चुनाव स्थल के चारों तरफ चक्रमण करते नजर आए। भारी फोर्स चुनाव परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। दी तहसील बार एसोसिएशन राजतालाब के छठे वार्षिक चुनाव के बाबत अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार सिंह, रामजी सिंह पटेल, चंद्रशेखर उपाध्याय, लालजी राम गोंड, महामंत्री पद पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विजय कुमार भारती, कोषाध्यक्ष पद पर रमेश यादव, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, प्रशासन पद पर राकेश कुमार राजभर, मुकेश उपाध्याय, प्रकाशन पद पर रमेश राकेश, पुस्तकालय पद पर विनीत उपाध्याय, नीरज कुमार पाठक अपने अपने भाग्य आजमाइश के लिए लगे हैं। मतदान के बाद किसके सर सजेगा अध्यक्ष व महामंत्री पद का सरताज, अधिवक्ताओं को शनिवार सुबह का खास इंतजार रहेगा। शनिवार सुबह 10 बजे से मतगणना प्रारंभ होगा जो अध्यक्ष सहित समस्त प्रत्याशियों के घोषणा तक जारी रहेगा। उक्त अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के बाबत प्रमुख रूप से प्रभारी निरीक्षक राजतालाब राम आशीष, उप निरीक्षक संदीप कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, अरुण प्रताप यादव, अमित कुमार सिंह, अनुराग कुमार मिश्रा सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात रहे।